नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ओबेदुल्ला गंज से है, जहां पर दंगे के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि हत्या के मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जहां पर रायसेन जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि 6 जून 2010 को रुपेश राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या के बाद में शहर में दंगा भड़क गया था, जिसके बाद ओबेदुल्ला गंज में 1 महीने तक कर्फ्यू लागू था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ओबेदुल्ला गंज से, जहां पर दंगे के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि हत्या के मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो कि रायसेन जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विष्णु, 6 जून 2010 को रुपेश राजपूत की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद में अब जो उनके आरोपी थे उनको 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए अनुपमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2010 का 6 जून का मामला है जी, जो कि रुपेश के बारे में बताया। रुपेश शिक्षक था जो स्कूल जाता था, स्कूल से आया था लौट के। वो तो दो पक्ष जो एक बच्चों के पक्ष से उनमें विवाद हो रहा है, मेले को लेके, तो उसी को लेके जब विवाद हुआ तो दूसरे पक्ष ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इसमें 17 नामजद आरोपी बनाए, जिसमें 14 लोगों को आज आजीवन कारावास की सजा हुई है। अनुपमा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ओबेदुल्ला गंज से, जहां पर दंगे के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि विवाद के चलते रुपेश की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रायसेन जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है, जहां पर आपको बता दें कि 6 जून 2010 को रुपेश राजपूत की विवाद के चलते 14 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद में शहर में दंगा हो गया था, जिसके बाद ओबेदुल्ला गंज में 1 महीने तक कर्फ्यू लागू था।